नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और शायद यही कहावत आज अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठ रही है जो अभी अभी पंजाब का चुनाव जीत कर आए हैं। हम सभी बखूबी जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी इस मूवी के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि आज उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और तो और उन पर कश्मीरी पंडितों ने 200 FIR दर्ज करा दी है और जेल भेजने की मांग भी कर डाली है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तब से ये निर्देशक विवेक अग्निहोत्री सुर्खियों में बने हुए हैं। कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री भी हो गई है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। बता दें इसी को लेकर हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में द कश्मीर फाइल्स को करमुक्त यानी कि टैक्स फ्री करने के खिलाफ विवादित बयान दे डाला था। सीएम ने कहा था कि दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को करमुक्त करने की मांग करने वाले भाजपा विधायकों को फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर देनी चाहिए, ऐसा करने से सभी लोग मुफ्त में फिल्म का आनंद ले पाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाते हुए विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भाजपा समर्थित और झूठी फिल्म करार दिया था, जिसके बाद वो और उनकी पार्टी के कई नेता जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंसते नजर आए थे। देखिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी नेताओं से लेकर जनता आक्रामक है। कहीं अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं कश्मीरी पंडित हाथों में तख्तियां लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। कुछ कश्मीरी पंडित ने अरविंद केजरीवाल को देश विरोधी तक बता दिया है, सुनिए। इसी बीच कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स एसोसिएशन ने ट्विटर पर एक प्रेस नोट जारी कर केजरीवाल को बेनकाब कर दिया। इसमें साफ कहा गया कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे। इस मामले को कई समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टर से
सत्यापित किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 223 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी और भाजपा ने क्या किया। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, इसी पर राजनीति बंद होनी चाहिए। वही अब इसको लेकर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी केजरीवाल पर टूट पड़े। केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हे भगवान, ये बहुत शर्म की बात है कि कश्मीरी हिंदू शिक्षकों को एक चुने हुए प्रतिनिधि के सफेद झूठ को उजागर करने के लिए इस तरह से सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झूठ बोलने पर कानून में क्या सजा है। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और झूठ बनाने पर फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी केजरीवाल पर हमला करते हुए बोला था। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है क्योंकि उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले फिल्म टैक्स फ्री नहीं की है, मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में 83 टैक्स फ्री की थी। ये फिल्म टैक्स फ्री से आगे निकल चुकी है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, मूवमेंट बन गई है। वही इसको लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि केजरीवाल ने नविका के सामने खुलेआम झूठ बोला कश्मीरी पंडितों के बारे में। नविका ने सफेद झूठ देश को दिखाया, कोई सवाल नहीं पूछा। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल सरकार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 3 बार कोर्ट गई, 3 बार हारी। ये वो सच है जो बिका हुआ मीडिया कभी नहीं समझ पाएगा। वह एक और बयान में अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स की बात करते हुए भाजपा नेताओं को कहा था कि आप एक झूठी पिक्चर की पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचालो बचालो बचालो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिल्म सच्चे नादिरमान नरसंहार और बीके हुए गूंज की हत्या और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इस पर ठाके लगाने का क्या मतलब है। वही अब ट्विटर पर भी लोग बवाल मचा रहे हैं। कई यूजर्स ने हैशटैग केजरीवाल एक्सपोज्ड और केजरीवाल हेट्स PS-20 के लिए जरिए भड़ास निकाली, तो BJP कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर नारेबाजी की। अब समझने की जरूरत है कि सियासत में सहूलियत के मुद्दे का समर्थन और विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी ही मिट्टी से पलायन की पीड़ा झेल रहे कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को झूठा करार देना, वो भी अरविंद केजरीवाल जैसा नेता की तरफ से समझ से परे है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।